बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरत राज आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र 2022 का पेपर देने वाले हैं और वो छात्र कह सकते हैं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हैं, तो उनके लिए लेके आया हूँ 2022 में आने वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाएंगे। जी हाँ भाई, क्वेश्चन होंगे लगभग मैं 15 से 16 क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आप क्वेश्चन को याद करके 85% आने वाले, मतलब कि 2022 के टॉपर आप बनने वाले हैं, इस बात को आपको याद रखना है। देखिए टारगेट हमारा 85% प्लस का होना चाहिए तभी हम टॉपर बन पाएंगे। और सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक हमने न्यू चैनल को भी लॉन्च किया है, उसका नाम है खिलाड़ी भैया एक्स बाई जेड, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज यार उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपके पास बुक नोट्स गैस पेपर जो भी है आप उस पर टिक लगा लीजिए और उससे तैयारी कर लीजिए, या फिर हमारे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखिए बात करने वाले हैं और मैंने इसका फर्स्ट सेकंड फेब जो भी है जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के सारे पेपर अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए बॉटनी का फर्स्ट पेपर है, ध्यान से आप देखिए अपने बुक को नोट्स को गैस पेपर को ओपन कर लीजिए, जो सीरीज वगैरह मार्केट से लेके आए हैं और जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वही क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। यहां बोला गया है कि आवृत्ति कह सकते हैं आवृतजीवी पौधों का वर्गीकरण, मतलब आवृतजीवी पौधों का क्लासिफिकेशन के बारे में आपको देख लेना है। संवहन ऊतक की संरचना के बारे में भी आप देख लेना, भ्रमण का विकास कैसे होता है, मतलब भ्रमण कोष के विकास के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं हिरेशन के जो पुष्पीय पौधों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कोई साल नहीं गया कि उसमें पूछा ना गया हो। तो आप इस क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ के जरूर जाना और साथ ही साथ आप बॉटनिकल गार्डन को तैयार करें याद करके जाएंगे और हर्बेरियम कैसे तैयार किया जाता है उनके महत्व के बारे में याद कर लेना। जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं वही पढ़ना है और बाकी जो खुले रहने देना है उनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? चलो बॉटनिकल गार्डन को भी आप याद कर लेंगे, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में बैंथम और हुक्कर के वर्गीकरण जब भी आएगा तो लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना अच्छी तरीके से रट के जाना और हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंथम हुक्कर के क्लासिफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद में आपको आपको पता होगा कि बॉटनिकल जो नोमेनक्लेचर होता है इसको आप पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं वनस्पति नामकरण, मतलब किसी भी पौधों का वनस्पति नामकरण कैसे किया जाता है उस कुल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और ये मैं कुछ कुछ आपको कुल बता रहा हूँ, जैसे कि आपको ग्रैमनी कुल हो गया, कुकरबिटेसी कुल हो गया और लिनेसी कुल हो गया और ग्रैमनी कुल हो गया, इन चार कुल को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ये फैमिलीज होती हैं जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछी जाती है, हो सके तो सुलिनेसी कुल को भी पढ़ लेना। ये 5 फैमिली मैंने आपको दी है जहाँ से आपको 2 से 3 फैमिली आपके पेपर में देखने को मिलेंगी पक्का, आप इन क्वेश्चनों को रट लेना लक्षण वर्गीकरण महत्व के बारे में। उसके बाद टिश्यू सिस्टम क्या होता है, टिश्यू सिस्टम जिसे ऊतक तंत्र बोलते हैं इसको आप पढ़ेंगे और हर्बेरियम कैसे तैयार किया जाता है आप इसको पढ़ेंगे। हर्बेरियम कैसे तैयार किया जाता है ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 100% पेपर में छपेगा। उसके बाद पौधों के तनों में की जो कह सकते हैं विभक्तियों का वर्णन, मतलब कह सकते हैं विभक्तिकाओं को हम मेरिस्टम बोलते हैं। मेरिस्टम इज मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि पौधों के तने में मेरिस्टम का निर्माण कैसे होता है, कैसे उसका लक्षण होते हैं वो बताएंगे। और एपो कह सकते हैं एपोमिक्स मतलब होता है आसंगक, आसंगक को हम उपसंयोजन भी बोलते हैं, ये 2 नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को आप रट लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है बड़े बड़े शब्दों में, कैम्बियम वाला भी आपके पेपर में छप रहा है, अब इसको रट लेना है। उसके बाद में आता है 2 नाम पद्धति जिसे कह सकते हैं वर्णन नवीन कल्चर, जो मैंने आपको बताया था पौधों का, और आसंगत द्वितीयक वृद्धि क्या होती है जिसे एनुअल सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, आप इस क्वेश्चन को भी आपको रट के जाना है। उसके बाद में आता है जरायुग्म किसे कहते हैं इसको पढ़ेंगे और कह सकते हैं जो कह सकते हैं बोर हार्विया के तने में आसंगत द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में आपसे पूछ लेता है। और निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को जरूर पढ़ लेना है क्योंकि पौधे में हो किसी में हो आवृत्ति पौधे में फर्टिलाइजेशन हो या पौधे में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो आपसे पूछता है। बहुव्रणता किसे कहते हैं आप इसको पढ़ेंगे, बहुव्रणता, और उसके बाद में आप करेंगे छत्रक पुष्पक्रम के बारे में। ठीक है, उसके बाद में बातरंध क्या होते हैं, पड़वरब क्या होते हैं, ये जो जो क्वेश्चन आपके जो मैं बता रहा हूँ यदि आपके गैस पेपर नोट्स में बुक में हो तो पढ़ लेना, यदि नहीं हो तो छोड़ देना, बाकी सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको मुझे पता है। तने के रूपांतरण के बारे में आप पढ़ेंगे और भ्रमण के चूसांग के बारे में आप पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो कह सकते हैं दो निश्चेजन के महत्व क्या होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसको, और आनिश्चित फलन के बारे में आप पढ़ के जाएंगे। जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ उसको पढ़ के जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, समझ रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा। और देखो जिजिनिया और या मेटाजिनिया में अंतर आपसे पूछता है या इनकी परिभाषा के बारे में आपसे पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछता है कि जो बिलियन क्या होते हैं और जीवाणु के प्रकार क्या होते हैं, अनिश्चित जनन क्या होता है, अनिश्चित जनन को पढ़ लेना अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपोमिक्स मैं पहले बता चुका हूँ तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पराग और स्वपराग क्या होता है
ठीक है, परापरागण। देखो परागण और परपरागण क्या होते हैं, इन दोनों को आप पढ़ेंगे बस, इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। 2022 में आप टॉपर बनने वाले हो, इस बात को आप याद रख लेना है। और पेपर हैकर को अभी आप सब्सक्राइब करेंगे, 2022 में यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला, तो आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है। 85% प्लस यहाँ से देखने को मिलेगा, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें तुरंत जैसे ही पेपर होगा हमें पेपर का फोटो भेजोगे, ठीक है, और चैनल को अभी सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।